अभी मैं पहुंच गया हूँ तुंगनाथ। चलिए यहाँ से अभी हमें चंद्रशिला जाना है। 1 किलोमीटर मोर है, बट वो 1 किलोमीटर में 1 घंटा लगने वाला है। चलिए मिलते हैं चंद्रशिला पे 1 किलोमीटर के ट्रैक के बाद। तुंगनाथ और चंद्रशिला सबसे हाईएस्ट पीक है यहाँ यूके में, और शायद आई एम नॉट कन्फर्म, आई एम नॉट श्योर, सबसे हाईएस्ट शिवलिंग, मतलब सबसे हाइट पे जो शिवलिंग है वो तुंगनाथ का है, अराउंड 12,000 फीट। वेदर का आइडिया आपको हो ही रहा होगा कितना खतरनाक हो रखा है, बारिश भी आ रही है। नाउ वी आर ऑन चंद्रशिला ट्रैक। 1 किलोमीटर का बोर्ड था वहाँ पे, मैंने दिखाया था आपको, बट लग नहीं रहा कि वो 1 किलोमीटर का है। बट भाई ने मुझे बोला बड़ा टची लाइन, बोला बार बार तो यहाँ पे नहीं आएंगे, आए हैं तो पूरा ऊपर तक कर ही लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट कर दिया। ट्रैक थोड़ा ज़्यादा स्टीफ है, दिखाता हूँ मैं आपको। ये होने वाली है चंद्रशिला की ट्रैक। थोड़ा डिफिकल्ट है, उतना प्लेन भी नहीं है। एंड स्टिफ ज़्यादा है थोड़ा। व्यू ऑल अराउंड बहुत बढ़िया, बारिश होने के भी चांसेस है, देखते हैं होपफुली हमारे टाइम में ना आए। मेरे लेफ्ट हैंड साइड में जो दिख रहा है इस तरफ, वो है तुंगनाथ, उसके बगल से ये ट्रैक है। इसमें स्टोन भी स्टेबल नहीं है, एंड हाइट पे थोड़ी ठंड भी बढ़ गई। यहाँ पे वेदर तो ख़राब हो ही गया है, ठंड भी बढ़ गई। यहाँ तो हमें ठंड महसूस हो रही है, बाकी तो राइडिंग जैकेट है तो बॉडी में फील नहीं हो रही। हैंड ग्लव्स प्रिफरली लेके आइए अगर आप चंद्रशिला तक जाने का प्लान है। और ये पूरा ब्लैक हो रखा है यहाँ पे, पूरा क्लाउड फुल, पूरा का पूरा क्लाउडेड। ओह माय गॉड, पता नहीं अभी क्या होने वाला है यहाँ पे, बट अभी तो वेदर बहुत ख़राब है, बहुत, मतलब बहुत। अभी इस तरफ आपको ट्रैक दिख रहा होगा, लोग जा रहे हैं, उधर तक चलना है। हालत तो हमारी भी ख़राब हो रखी है, बट भगवान भोलेनाथ की कृपा से शायद ऊपर तक पहुँच ही जाएंगे। मंदिर के पास ही है ये, थोड़ा हमने शॉर्टकट लिया है तो बिल्कुल शॉप की तरह है। ये सारे स्नो से भरे रहते हैं। मंदिर शायद आपको ऊपर दिख रहा हो। इतना ईजी नहीं है, बट अगर आप आस्था के साथ और हिम्मत के साथ आगे बढ़ेंगे तो डेफिनेटली ये आप ट्रैक कर पाएंगे। थोड़ा हिम्मत तो चाहिए होगा, इतना आसान भी नहीं है कि आप ऐसे भी चलेंगे और बस हो जाएगा, बट हिम्मत के साथ, आस्था के साथ आगे बढ़ेंगे तो हो जाएगा। ट्रैक मुश्किल हो रहा है, बट बीच में आप ब्रीथ रिगेन करने के लिए थोड़ा सा स्टॉप करोगे तो हो जाएगा। बैठने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अगर सिर्फ स्टॉप करोगे तो आपका ब्रीथ रीगेन हो जाएगा, आगे आप कंटिन्यू कर पाओगे। हाइट अभी भी 600-700 मीटर तो होगा ऊपर। आपको फ्लैट यहाँ से दिख रहा होगा, वहाँ पे एक फ्लैग शायद। अभी स्टिफनेस कैसी है वो दिखाने के लिए मैं शूट कर रहा हूँ। इसके पीछे है चंद्रशिला। चलिए थोड़ा सा और बचे, ऑलमोस्ट 99% इज ओवर। व्यू यहाँ से इतना अल्टीमेट है कि अगर आप यहाँ पे आ गए तो इट्स लाइफ टाइम अचीवमेंट। कुछ आदमी दिख रहे हैं, वही है चंद्रशिला टॉप। बस वी आर ऑलमोस्ट देयर। 45 मिनट्स का टाइम लगा, हमें एक्सपेक्ट किया था हमने कि 1 घंटे का समय लगेगा तुंगनाथ से चंद्रशिला टॉप का, बट आराम आराम से हमने 45 मिनट में कवर कर दिया। आप 1 आवर में भी कवर करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। 12 बजे हमने स्टार्ट किया था नीचे चोपता से, 3 बज के 7 मिनट हो रहे हैं, 3 आवर्स 7 मिनट में हम चंद्रशिला टॉप पे है। और इसमें 20 मिनट्स का हमारा विज़िट है तुंगनाथ में भी, तो आप सोच सकते हैं कितना टाइम लगा और इसके हिसाब से आप भी कर सकते हैं। अभी मैं देखूंगा नीचे आने में कितना टाइम लगता है, उसके हिसाब से मैं नीचे एक बार और अपडेट आपको दे दूंगा कि नीचे आने में मुझे कितना टाइम लगा। हालांकि नीचे आने में टाइम बहुत कम लगेगा, बहुत ईजी होता है नीचे उतरना, बस सिर्फ आपको अपने स्टेप्स को प्रॉपर्ली रखना है। व्यू ऑल अराउंड आपने देखा, बहुत ही बढ़िया है। चलिए मिलूँगा नीचे चंद्रशिला से चोपटा के डाउनवर्ड ट्रैकिंग करने के बाद। और डाउन होते हुए हम मैक्सिमम शॉर्टकट यूज़ कर रहे हैं, ऑफ रोड टाइप का आदत हो गई है ना ऑफ रोडिंग की, इसलिए ज़्यादा रिस्की नहीं है, थोड़ा ग्रिप आपको संभाल के रखना होगा। थोड़ा टाइम हमारा शायद बच जाए, इसलिए हमने ये पाथ सेलेक्ट किया है। डाउन ट्रैक बहुत ईजी है, बहुत आराम से, बहुत कम समय में कर सकते हैं, तो थोड़ा आपको धैर्य रखना होगा। सिर्फ जाते वक्त आते वक्त आप आराम से आ सकते हैं विदाउट एनी टेंशन, कोई थकावट भी नहीं होगी। अभी 1 घंटे भी नहीं लगे हैं और हमने करीब करीब हाफ डाउनवर्ड ट्रैक कंप्लीट कर लिया है। और थोड़ा वेदर भी अभी ठीक हुआ है, धूप निकल गई है फिर से। हंड्रेड मीटर और बचे है, ज़्यादा नहीं होगा, 100-200 मीटर ऑलमोस्ट हमने कंप्लीट कर लिया ट्रैक। ये हमारे साथ ही स्टार्ट किए थे और हमारे साथ ही आ रहे हैं, और इनके स्टैमिना को मैं बिल्कुल दाद देता हूँ, इतना वेट लेके और इतनी जल्दी, रियली अमेजिंग। स्टैमिना नहीं, आपके अंदर जो हिम्मत है ना, आप क्या सोच रहे हो वो बहुत मायने रखता है कि नहीं? बिल्कुल। चलिए मिलता हूँ मैं नीचे, बताता हूँ एग्जैक्ट टाइम कितना लगा हमें नीचे आने के लिए। पहुंच चुके हैं चोपटा बिल्कुल नीचे, पूरा ट्रैक हमारा कंप्लीट हो गया। टाइम 1 सेकंड में बताता हूँ, 5:45, मतलब 5 आवर 45 मिनट्स लगा हमें पूरा ट्रैक कंप्लीट करने में। ऊपर में 1 घंटे का ब्रेक भी था दोनों जगह पे। तो आज के वीडियो में इतना ही, सिर्फ तुंगनाथ और चंद्रशिला के ट्रैक ये 2 कवर करता हूँ। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू।